यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। केदारनाथ आपदा को लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी अपनों को खो चुके कई परिवार उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की ओर से समय समय पर केदारनाथ घाटी में टीमों को भेजकर कंकालों को भी तलाशने का काम चल रहा है। 14 अक्टूबर को 5 सदस्यीय टीम फिर से केदारनाथ के लिए रवाना हुई थी, जो लौटी भी है। टीम ने अपने अभियान के दौरान 21 नर कंकाल प्राप्त किए। अलग अलग अभियानों में सामने यह आया कि घाटी में लगातार नर कंकाल मिल ही रहे हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार के अनुसार केदारनाथ में लगातार नर कंकालों को खोजने का अभियान चलता रहेगा। अभियान तब तक चलता रहेगा जब एक भी कंकाल मिलने की उम्मीद हो। तक भी संभावना बनती है किसी एक भी अवशेष को मिलने का, वो प्रयास हमारा निरंतर जारी रहेगा, हर वर्ष करते हैं। कौन सा सीजन उपयुक्त होगा उस हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है। जैसे यात्रा सीजन के दौरान जिस समय हजारों लाखों की संख्या में लोग चल रहे हैं, उस समय हमें प्रशासनिक व्यवस्था बनानी पड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनानी पड़ती है, यात्री सुविधा बना देनी पड़ती है। उस समय टीमों को हम किसी और कार्य में लगाएं, या जब बारिश का मौसम होता है, अलग अलग स्थानों पर लैंडस्लाइड होते हैं, उस समय भी हमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारियों को निकालना संभव नहीं होता है। लेकिन हमारा प्रयास पीछे भी होता रहा है और आगे भी जारी रहेगा।